हनुमान जी संकट मोचन है, इसलिए मेरे पागलों हम तुमसे यही कहना चाहोगे आज से अपने घर पर ओम भागे सुनाए, ओम भागे सुनाए, ओम भागे सुनाए नमः। इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, नियम प्रारंभ कर दो, जाओ हम वचन देते हैं तुम्हें तो दर तक दरबार में नहीं भटकना पड़ेगा। बात तुम्हारे मंच पर भी हम खोल करके कह सकते हैं, भारत के सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मतलब की क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना कर ले, हनुमान जी की शक्तियों का सामना कर ले। कोई भी हरि उल्लास वाला आ जाए पेंट गीला करेगी अपनी, उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। बोलो सीताराम, कौन से बोलो, कौन से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की, संत योगेश्वर श्री भारतदास जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, कौन कौन बागेश्वर धाम आया बता, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। तो भैया पेड़ पहना कर ब्रेकिंग न्यूज बनिए, आगे नीचे आगे सीताराम जी, साधु जी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सांसों में गलती लगा कौन सर कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन भयम आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, मणिमन बालाजी को सब लोग प्रणाम करें, सर सन्यासी बाबा को प्रणाम करें, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलेंगे ओ बागेश्वराय नमः, सन्यास
Shachi Devai Namaha. पूज्यपाद श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु सन्यासी बाबा जो हमारे दादाजी के दादाजी हैं, जिन्होंने 322 साल पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। साक्षात हनुमान जी प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा वरदान मत हो। गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने कहा था जो भी बागेश्वर धाम पर आ गए उनका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे श्री सन्यासी बाबा को दिए हुए वचन में आज संपूर्ण बुंदेलखंड के इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर देश दुनिया के करोड़ों लोग आते हैं, जो अर्जी लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी पद्धति है कि जो भी दरबार में बैठ जाते, पर्चा बने या ना बने, बात हो पाए ना हो पाए, रोग है, संकट है, व्याधि है, पीड़ा है, उपद्रव है, जो भी सामूहिक अर्जी लगाते हैं, घर पर नानी और बांध लेते ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, बागेश्वर हनुमान जी का विग्रह मतलब चित्र रख लेते हैं, महीने में एक बार, 6 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में, जब भी टाइम मिलता है और बेसी करता है व्यक्ति, ज्यों अर्जी लगती है, ज्यों बेसी होती है, त्यों त्यों आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा हो जाती है, रोग में, संकट में, पीड़ा में आराम लग जाता है, भूत बाधा प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। आप जो भी अर्जी प्रश्न जिज्ञासा लेकर के जिनसे बैठे हो, समय कम है, रात्रि कालीन मेला है, पर पूज्य महाराज जी की तपोस्थली है, यहाँ पूज्य महाराज जी का जन्म स्थली है, तो आप जो भी अर्जी लेकर आए मन ही मन 3 बार बागेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना करो, हम आपकी अर्जी स्वीकार करवा लेते हैं। ओ जीवन भर आपके चरणों से हम जुड़े रहे, हम आते रहेंगे, वचन देते, परंतु हे बागेश्वर हनुमान जी, आज से ही हम पढ़ पाकर आपकी जय, आपकी जय, हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, आपके बिना कोई नहीं, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आप जगत के पालनहार हो, सबकी डिग्री बनाई, हमारी भी अर्जी सुनो, हमारी भी अर्जी सुनो, हमारी भी अर्जी सुनो, मन ही मन प्रणाम करें, गाने आपकी मुट्ठी का शीर्ष साथ प्रणाम करें, पीछे की तरफ चलो, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, साथ बार इसीलिए पीछे की तरफ चलो, ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दी, दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, आंखों में लगा लो, शरीर में जहां भी आए वहां स्पर्श करो, बिना बात किए हम आपको एक बात बोलें, परम पूज्य जो महाराज जी हमारे बगल में बैठे हैं, हमारा केवल इस जन्म का नाता नहीं है, इनसे हमारा पूर्व जन्म का भी नाता है।
हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें बड़े भाई के रूप में पूज महाराज जी मिले। आप लोग और भाग्यशाली हो पौनी के पार लो, याद रखना। आज तो मैं समझ नहीं आ रहा, कल तो मैं जरूर समझ आएगा। लेकिन किस महापुरुष